हेलो फ्रेंड्स, मेरी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे केसर कुल्फ, जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है और बिना गैस जलाए हम इसको बनाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने दो ब्रेड पीस लिए हैं। मैंने ब्राउन ब्रेड ली है, आप वाइट भी ले सकते हो। इसको तोड़ के मिक्सी के जार में डाल देंगे और साथ ही इसमें डालेंगे दूध। ठंडा दूध डाला मैंने 1 कप और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें इलायची पाउडर डाला है और कुछ केसर के धागे डाल रहे हैं, क्योंकि हम केसर कुल्फ बना रहे हैं इसलिए केसर के धागे ज़रूरी हैं। अब हम इनको बीट कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए, हमने बीट कर लिया है और कलर कितना अच्छा आया है केसर का। अब हम इसमें क्रीम डालेंगे 1 कप। जिस कप से हमने दूध को नापा है उसी नाप का हम डालेंगे। और 1 कप ही हम इसमें डालेंगे कंडेंस मिल्क। इसमें अलग से शुगर नहीं डालनी। अब हम इसको बीट कर लेंगे। तो देखिए, हमारा जो कुल्फ का मटेरियल है बिल्कुल रेडी हो चुका है और कितना बढ़िया क्रीमी बन के रेडी है। अब हम इसको कुल्फ के मोल्ड में डालेंगे और इसको ओवरनाइट के लिए फ्रीज़र में रखेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो आप इसको प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अब हम इनको कवर करके इनके इसको ओवरनाइट के लिए हम फ्रीज़र में रख देंगे। तो देखिए, हमारे कुल्फ हैं जो अब तैयार हो चुके हैं। एक कुल्फ लेंगे। देखिए, हमारा कुल्फ है बिल्कुल बन के रेडी है। अब इसको हम खोल लेंगे और थोड़ी देर हम इसको पानी में घुमाएंगे ताकि जो कुल्फ है आसानी से प्लेट में बाहर आ जाए। ये देखिए, केसर कुल्फ बन के बहुत बिल्कुल रेडी है और बहुत ही टेस्टी बनता है। एक बार आप ज़रूर ट्राई करें और कमेंट में मेरे को ज़रूर बताएं। देखिए, कुल्फ बन के बिल्कुल रेडी है। अब हम इस पे कुछ केसर के धागे डाल देंगे और बिल्कुल सिंपल बनाई है मैंने। इसमें कोई ड्राई फ्रूट यूज़ नहीं किया। ऊपर से हम रूह अफजा या गुलाब का जो सिरप होता है वो डाल लेंगे, बिल्कुल ऑप्शनल है। तो हमारा कुल्फ बन के रेडी है। तो आपको कैसी लगी ये रेसिपी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।